भोजपुर पुलिस की बड़ी कामयाबी 24 घंटे में मिली है। मामला 2 रोज पहले का है, जहां दिन दहाड़े 3 युवकों ने दूसरे को हत्या करने के चक्कर में एक बालक को गोली मारकर जख्मी कर दिया था। वहीं भोजपुर पुलिस ने तुरंत फायरिंग की घटना को अंजाम देने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए अपराधियों के पास से एक पिस्टल वाला 7 जिंदा कारतूस को बरामद किया है। इस आशय की जानकारी भोजपुर पुलिस कप्तान आदित्य कुमार ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर दी है। पुलिस कप्तान ने बताया कि पिछले 25 तारीख को नवादा थाना क्षेत्र के गोढ़ाना रोड में पल्सर बाइक पर सवार 3 अपराधियों द्वारा सरेआम गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया था, जहां एक 11 वर्षीय बच्चे को गोली लगी थी और वह बुरी तरह जख्मी हो गया था। पुलिस कप्तान ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी विकास को भेला से गिरफ्तार किया गया, जिसके पास एक पिस्टल वाला 7 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। विकास के निशानदेही पर उसके अन्य 2 साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही कांड में प्रयुक्त पल्सर मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है। पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि आपसी दुश्मनी में किसी और को टारगेट बनाने की कोशिश थी, मगर गोली गलती से बच्चे को लग गई थी। एक मोटरसाइकिल पर 3 नवयुवक सवार होकर किसी व्यक्ति को गोली मारने आए थे और वो गोली उस पर ना लग के 11 साल के बच्चे को लगी थी। तत्काल इस पर कार्रवाई करते हुए SDPO सदर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया एवं SDPO सदर ने अपनी टीम के नेतृत्व में SHO नवादा DIU प्रभारी और सब लोग ने उनके काम किया। उद्वन नगर थाना प्रभारी, इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें एक विकास कुमार मुलायम और ओम प्रकाश, ये 3 लोग हैं। और CCTV के फुटेज से भी हम लोगों को कुछ आइडेंटिफाई हुए थे नाम, और उसमें एक पल्सर मोटरसाइकिल जिसे क्राइम किया गया था वो भी बरामद हुई, एक पिस्टल बरामद हुई है और उसके साथ साथ गोली बरामद हुई है। जब उसको पकड़ा गया था तब ये लोडेड थी सारी की सारी गोली। इसमें 3 लोग हुए हैं, एक और व्यक्ति का नाम आया है जो दूसरी मोटरसाइकिल से संभवतः था, उसको भी हम लोग पकड़ेंगे। इसमें 11 साल के बच्चे को गोली लगी थी जो इलाजरत है और अभी खतरे से बाहर है। हम लोगों ने इसको तत्क्षण काम करते हुए और इसका निवेदन किया है, सफल निवेदन किया है और टीम को उसी तरह से पुरस्कार से नवाजा गया है। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? इनकी उद्वंत नगर थाना से गिरफ्तारी हुई है। उनके घर पे जब लोकेट कर लिया गया तो घर से गिरफ्तारी हुई है। मुलायम को कहाँ से लाए थे? 0 मैच। आरोपी सर क्या बताएं? आरोपी ने बताया कि सुबह एक गोल्डन नाम का व्यक्ति था, उससे इन लोगों की लड़ाई हुई थी पहले, और पहले 1 महीने पहले भी उससे लड़ाई थी, और उस जिस दिन घटना हुई उस दिन सुबह भी एक उनसे कहा सुनी हुई थी और एक दूसरे को देख लेने की बात की गई थी। इसी क्रम में ये लोग सरे बाजार गोली उसको मारने आए थे, उसको जान से मारने की नीयत से आए थे, परंतु उसको ना लग के ये लोग वहाँ से भागने लगे गोली चला के। उसी क्रम में एक बच्चे को भी गोली लगी, बच्चा भी अब इलाज में है और खतरे से बाहर। सर गोल्डन को भी पकड़ेंगे? नहीं, गोल्डन के क्योंकि उसको तो गोली मारने आए थे, उसको गोली मारने आए थे। क्लियर होता कुछ क्या मामला? उनका आपस का कोई भी विवाद रहा होगा, अब किसी का विवाद रहा है तो किसी ने गोली में चलाने के लिए तो नहीं कहा, अब कि विवाद किसी का भी हो सकता है। और गोल्डन का इन लोगों से विवाद था, ये लोग उसको मारने के लिए उससे आए।